What does the graph say? Good morning, friends. Welcome once again to Nifty analysis from tradingfab.in. आज 9 जून 2020 ट्यूसडे है, सुबह के 8:21 हो रहे हैं। दूसरा ट्रेडिंग सेशन है इस वीक का। कल हमने देखा जबरदस्त गैप अप ओपनिंग और उसके बाद पूरे दिन वहां पर एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। तो सबसे पहले कल के एनालिसिस का क्विकली रिव्यू करते हैं। ये कल का पिक्चर है, यानी 8 जून आफ्टर मार्केट आज से पिक्चर लिया हुआ है। कल का वीडियो अगर आपको देखना है तो ऊपर या आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो जैसे कि हमारा कल का प्लान ब्रेकआउट लेवल बन रहा था 10,200 और ब्रेकडाउन लेवल बन रहा था 10,118। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ये 5 मिनट का निफ्टी इंडेक्स का चार्ट है। निफ्टी इंडेक्स काफी ऊपर ओपन हुआ, गैप अप ओपनिंग देखने को मिली, करीब करीब 200 पॉइंट्स ऑलमोस्ट यहाँ पर गैप अप ओपनिंग देखने को मिली और ऊपरी लेवल से बाजार ने प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू किया। तो जो हमारा प्री मार्केट प्लान था उसके अकॉर्डिंग कल यहाँ पर कोई अपॉर्चुनिटी नहीं बन रही थी, क्योंकि काफी ऊपर मार्केट ओपन हुआ और जैसे नीचे आ रहा था तो एक कंसोलिडेशन फेज यहाँ पर दिखा रहा था और इसने जैसे ही ये एक रेंज क्रिएट किया था 1-2-3 घंटे और उसके बाद जैसे ही लोअर बैंड को इसने ब्रेक किया तो जो गैप क्रिएट किया था सुबह में इसको इसने फील कर दिया। तो कल जो प्लान था हमारा प्री मार्केट उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं थी। एग्जैक्ट सपोर्ट लिया इसने ब्रेकडाउन लेवल का, तो काफ़ी एक्यूरेट ये भी लेवल साबित हुआ था लेकिन ब्रेक नहीं हुआ ये। तो ये था कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू। चलते ग्लोबल मार्केट्स के हालात देख लेते हैं। कल अमेरिकी बाजार देखे तो वहां पर फिर से एक बार जबरदस्त हरे निशान में कारोबार देखने को मिला। नास्डैक ने रिकॉर्ड हाई लगाया, क्लोज 110 पॉइंट की बढ़त के साथ बंद हुआ। यूरोपियन मार्केट्स में हालांकि कमजोरी देखने को मिली साफ तौर पर। एशियाई बाजार आज ओपन हो चुके तो एसजीएक्स निफ्टी 64 पॉइंट की बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है। हालांकि जापानीज इंडेक्स 147 पॉइंट की गिरावट दिखा रहा है और हांगकांग मार्केट और ताइवान मार्केट में देखे तो हांगकांग मार्केट 256 पॉइंट की तेजी के साथ इस समय ट्रेड कर रहा है। हालांकि ताइवान मार्केट हल्की सी कमजोरी दिखा रहा है। डाउ फ्यूचर देखे तो अभी हल्की सी कमजोरी के साथ इस समय ट्रेड आउट कर रहा है। तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट से अभी एशियाई बाजार थोड़ा मिला जुला कारोबार इस समय देखने को मिल रहा है। चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर। वीकली चार्ट से शुरू करते हैं। ये वीकली चार्ट में ये जो यहाँ पर स्विंग हाई लो बनाया है इसको पकड़ के हमने फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल को ड्रॉ किया था। तो जैसे कि कल इसका 61.8% का लेवल 10,276 के आसपास आ रहा था और इसके ऊपर निफ्टी इंडेक्स ओपन हुआ तो वहां से ये जबरदस्त यहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। ये जो अपसाइड मूव आया था लास्ट कई दिनों से तो अभी ऊपरी स्तर पर एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। तो अभी ये जो 20 EM है जहाँ पर 50% का फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल भी है तो हो सकता है ये फिर से एक बार इसे टेस्ट करने के लिए आ जाए 20 EM को और फिर यहाँ से टूवर्ड्स नॉर्थ की तरफ एक फिर से मूव दिखाए। तो यहाँ पर अभी फिलहाल ये 9,995 का सपोर्ट होगा एज पर वीकली चार्ट और ऊपर देखें तो ये 50 EM है जो कि अराउंड अभी 10,637 के पास है, ये रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। तो ऊपर रेजिस्टेंस ये 50 EM का होगा और नीचे सपोर्ट ये 20 EM का होगा। अगर डेली चार्ट पर देखें अगर आप तो अभी इसने ऑल मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड करना शुरू किया है। तो लेकिन जैसे कल गैप अप ओपन क्रिएट हुआ था तो यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा था। तो अभी जो ये 100 EM है हो सकता है ये फिर से एक बार इधर आए और फिर ये बाउंस बैक दिखाए, इसका सपोर्ट लेके ये फिर से एक बार बाउंस बैक दिखाए। तो यहाँ पर अभी डेली चार्ट में 100 EM है ये अराउंड 10,042 के पास आ रहा है। तो 10,000 और हमने जैसे कि वीकली चार्ट में देखा ये 50% का ये जो लेवल है और 20 EM ये भी 10,000 के आसपास आ रहा है। तो 10,000 जो कि साइकोलॉजिकल बैरियर भी है वो अभी यहाँ पर सपोर्ट का काम कर सकता है अगर निफ्टी इंडेक्स टूवर्ड साउथ की तरफ आता है तो। और अगर ये जो अपसाइड मूव आया है इसका अगर हम फिबोनाची अगर यहाँ से और ये जो प्रॉफिट बुकिंग है ये अगर यहाँ से करेक्शन में अगर तबली चेंज होता है तो यहाँ पर अगर हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल को अगर ड्रॉ करें तो इसका 9,969 का ये जो 23.6% का लेवल है
ये भी यहाँ पर सपोर्ट का काम कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ से एक छोटा स्विंग लो बना के इसने ये बाउंस बैक दिखाया था। तो ये लेवल भी ये 100 EMA और ये इस लेवल के पास ये पेनेट्रेट हो सकता है और फिर बाउंस बैक दिखाए। अगर ऐसा बाउंस बैक दिखाता है तो यहाँ पर भी एक डबल बॉटम फॉर्मेशन जैसा पैटर्न क्रिएट हो सकते हैं और ये लेवल को अगर ब्रेक करता है तो निफ्टी फिर से एक बार टूवर्ड साउथ की तरफ ये मूव फिर से हमें करता हुआ दिखाई दे सकता है। तो फिलहाल इन लेवल्स के अकॉर्डिंग आप अपना ओवरनाइट ट्रेड यहाँ पर प्लान कर सकते हैं। चलते हैं 60 मिनट के चार्ट में, इंट्राडे लेवल्स को क्विकली आइडेंटिफाई करेंगे। कल का जो हमारा ब्रेकडाउन लेवल था वो सेम आज के लिए हमारा ब्रेकडाउन लेवल यहाँ पर साबित हो सकता है, क्योंकि कल एग्जैक्ट सपोर्ट इस लेवल के पास दिखा के बाउंस बैक दिखाया था निफ्टी इंडेक्स ने। तो 10,118 ये हमारा आज के लिए ब्रेकडाउन लेवल होगा और फर्स्ट टारगेट होगा पिवट पॉइंट का सोन का लेवल जो कि 10,082 है, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। और सेकेंड टारगेट होगा 10,039, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। और अगर निफ्टी इंडेक्स टूवर्ड्स नॉर्थ की तरफ बढ़ता है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक इनसाइड बार फॉर्मेशन यहाँ पर देखने को मिला है। इनसाइड बार फॉर्मेशन यानी जो प्रीवियस कैंडल हाई और लो है इसके बीच में ये ट्रेड हो रहा है। तो इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो ये एक बोरिंग कैंडल यहाँ पर क्रिएट हुआ है, तो इसका हाई 10,224 के आसपास है। तो इसे कम्प्लीटली ब्रेक होने दीजिए तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजिशन बना सकते हैं। और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 10,250, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। और सेकेंड टारगेट होगा पिवट पॉइंट का S1R1 का लेवल जो कि 10,290 के आसपास है, तो ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये है आज के लिए निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग। ट्रेडिंग फैब एक ऑथोराइज पार्टनर है डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स का, जैसे कि जीरोधा है, अपस्टॉक्स है, फाइव पैसा है। अगर आप इन तीनों में से कोई एक ट्रेडिंग अकाउंट हमारे पार्टनर रेफरल आईडी के अंडर अगर आप ओपन करते हैं तो आपको हमारी जो इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप है वो आपको एब्सोल्युटली फ्री में मिल सकती है। उसके लिए आपको करना क्या है, जस्ट यहाँ अप्लाई हियर के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही ये वेब पेज ओपन होगा तो आपके यहाँ पर डिटेल्स आपको एंटर करने हैं, तो ऑनलाइन प्रोसेस शुरू हो जाएगी। एक दिन में अकाउंट ओपन हो सकता है अगर आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी है। तो अकाउंट ओपन होने के बाद आपका जो क्लाइंट आईडी है वो आपको हमें इस नंबर पे कॉल करके कंफर्म करना है ताकि हम आपको इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप में ऐड कर सकें। तो ये एक छोटा इंट्रो था ट्रेडिंग फैब के बारे में।